हाय एवरीवन, वेलकम है आपको समत किचन में। आज हम बना रहे हैं एग रोल, या कि जिसको हम कहते हैं काठी रोल, और ये स्पेशल डिमांड पे बन रहा है मोहम्मद शहनवाज़ आलम की, जो कि हमारे रेगुलर व्यूवर हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट की है, रिक्वेस्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया हुआ है, तो अब मैं मैदे में 1/2 चम्मच नमक मिला देती हूँ, और मैं इसमें मिलाती हूँ 1 टेबल स्पून ऑयल। इन सबको डालने के बाद हम अच्छी तरह से अभी ऐसे ही ड्राई ही मिक्स कर लेंगे, ताकि नमक और तेल अच्छी तरह से मिल जाए। और आटे को गूंदने के लिए मैं इसके नीचे एक मोटी तौलिया बिछा लेती हूँ, जिससे ये स्लिप ना करे और मैदे की अच्छी गुंधाई हो जाए। और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंदेंगे। एक बारगी पानी नहीं डालना है, नहीं तो मैदा बहुत पतला हो जाएगा और रोल खस्ता नहीं बनेगा। तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही गूंदना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। डो बनाने के बाद हम इसको 1/2 घंटे के लिए ढाक के रख देंगे सेटल होने के लिए। ये देखिए, आटा पूरी तरह से गुन चुका है, ये पूरी तरह से चिकना हो गया है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको ढाक के रख देती हूँ, ताकि ये सेटल हो जाए। और अब हम अपनी फिलिंग तैयार करते हैं। फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ली है ये वेजिटेबल्स, जिनको बहुत बारीक कट किया हुआ है। ये देखिए, ये पत्ता गोभी है, बिल्कुल बारीक कट करना है, तभी बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। और ये है हमारी गाजर कटी हुई पतली लंबी, और ये है शिमला मिर्च पतला कटा हुआ, और ये भी है प्याज, ये भी पतली और लंबी कटे हुए हैं स्लाइसेस। और यहाँ पे है ये सफ़ेद नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच हम यूज़ करेंगे। ये है अजीनोमोटो चाइनीज सॉल्ट है, और ये है हमारा काली मिर्च पाउडर, और ये है चिली सॉस, और यहाँ पे है ये वाइट विनेगर, और ये है हमारा टोमेटो केचप, और ये अंडे हैं जो कि हम बाद में यूज़ करेंगे, अभी फिलिंग में नहीं यूज़ करेंगे। तो चलें अब हम इसकी फिलिंग रेडी करें। एक पैन में 1 चम्मच मैं तेल डाल के गरम कर लेती हूँ, और उसके बाद इसमें तेल गरम होते ही मैं डाल देती हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और इस पेस्ट को हम उतना भून लेंगे कि अदरक लहसुन की स्मेल निकल जाए, और स्मेल निकलते ही इसमें मैं डाल देती हूँ सबसे पहले प्याज। प्याज को करीब 1 मिनट तक भून लेंगे, आँच को मीडियम रखेंगे, और प्याज के भूनते ही इसमें सारी वेजिटेबल्स डाल देंगे हम। और इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, अगर आपको ज़्यादा तीखी नहीं चाहिए तो आप कम कर सकते हैं। मैं डाल देती हूँ 1/2 चम्मच नमक, और ये इसमें आ गया 1 छोटा चम्मच विनेगर, 2 चम्मच चिली सॉस। चिली सॉस आप अपने हिसाब से डाल लीजिए, ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए कम कर दीजिए। थोड़ा सा टमाटो सॉस, और ये है अजीनोमोटो, इसको हम डालेंगे 1/4 चम्मच, और अब अच्छी तरह से मिला दें। आँच को मीडियम ही रखें, सब्जियों से थोड़ा सा पानी निकलेगा, उस पानी को सुखा लें। सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, और बस अब ये रेडी है। इस बीच 1/2 घंटा हो चुका है, ये आटा भी तैयार है इसमें, और मैं थोड़ी सी गुंधाई कर देती हूँ। और अब इसमें इसके 2 बराबर साइज़ के बड़े बड़े पेड़े बना लेंगे, बहुत छोटे नहीं बनाएंगे, क्योंकि रोल जनरली बड़ा ही होता है। तो मैं उस हिसाब से 2 लोइयाँ बना लेती हूँ, और अब हम इनको बेलेंगे थोड़ा सा मैदा लगा के। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, अभी थोड़ा सा बनाएंगे पूरी के साइज़ का, इतना बढ़ा लेंगे। और एक बेल चुका है, मैं इसको अलग रख देती हूँ, और इसी तरह से हम दूसरा वाला भी बेल लेंगे। दोनों आधी बिली रोटियों में हम लगा देंगे तेल, अच्छी तरह तेल लगाना है। तेल लगाने का पर्पज़ ये है कि अब हम इनको जब चिपका के बेलेंगे तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं। तो अब इसको एक को उठा के दूसरे के ऊपर रख देंगे, और इनके एजेस को बिल्कुल सील कर दें, किनारे से बिल्कुल अच्छी तरह से दबा दीजिए, और ये चारों तरफ से देखिए अच्छी तरह से इसको दबा दीजिए। और दबाने के बाद उठा के हाथ में लेके भी ऐसे गोलाई में दबाते हुए इस तरह से इसको अच्छी तरह सील कर दीजिए, जैसे तेल ना बाहर निकले। और इस तरह से सील करने के बाद अब हम इसको बेल लेंगे। इसको बड़ा बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा मैदा और छिड़क लें, ताकि ये आसानी से बिल जाए। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने एक बार में ही 2 पराठे तैयार कर लिए अपने, 2 रोल के। और रेस्टोरेंट वाले भी ऐसे ही बनाते हैं, आपको इस तरह से बेलने में प्रॉब्लम है तो आप एक एक रोटी भी बेल सकते हैं। तो बेल के अच्छा बड़ा कर लें, क्योंकि रोल में पतली लेयर अच्छी लगती है पराठे की, बहुत मोटा अच्छा नहीं लगता है। इसलिए इसको आप अपने साइज़ के हिसाब से, जो आपका पसंद है उस हिसाब से बड़ा कर लें। अब मैंने एक पैन को गर्म कर लिया है, और इसको मैं डाल देती हूँ अपने डबल लेयर रोटी को,
जो कि हमने डबल लेयर बनाई है, और एक मिनट सिकने के बाद मैं इसको पलट देती हूँ और फिर हम इसको सेक लेंगे दोनों तरफ से। और ये देखिए थोड़ा सिकने के बाद अगर आप चिमटे की मदद से इसको खोलेंगे तो ये पूरा खुल जाएगा। ये देखिए गर्म है, इसको संभाल के खोलिएगा, इसमें हाथ मत लगा दीजिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी स्टीम होती है जो आपको जला सकती है। तो ये एक तरफ से सिका है और एक तरफ से अंदर वाला पार्ट सिका नहीं, तो वो जो पार्ट मैंने अलग किया उसको अलग रख दिया है। और एक वाले इस वाले को अब हम तल लेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको दोनों तरफ से सेकेंगे। पलट लीजिए, इसमें ध्यान हमको ये रखना है कि जो कम सिका वाला पार्ट है उसको अब उस साइड रखें, और अंडे को जो ज़्यादा सिका वाला पार्ट था उसके ऊपर अंडे को तोड़ेंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो कम सिका वाला पार्ट था जितनी देर में ये अंडे वाला प्रोसेस होगा वो उतनी देर में वो भी सिक जाएगा और इधर अंडा पक जाएगा। तो अंडे को आपको राउंड राउंड ऐसे घुमाना है और इसको छोड़ना नहीं है। छोड़ने से क्या होगा, ये एक ही जगह पे जम जाएगा और एक लिक्विड लेयर नहीं आएगी इसकी। तो अगर आपने देखा होगा बाज़ार में भी बिल्कुल ऐसे ही वो अंडे को घुमाते रहते हैं जब तक कि वो सेमी सॉलिड हो नहीं हो जाता है, तो इससे बिल्कुल इवन लेयर बन जाती है। तो एक अब ये सेमी सॉलिड स्टेट में आ गया है और अब मैं इसको पलट देती हूँ ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से ये सिक जाए। ये देखिए, तो ये जो हमारा कच्चा वाला रोटी वाला पार्ट था देखिए वो भी सिक चुका है और इसको मैंने पलट लिया। अब आप चाहें तो दोबारा भी पलट सकते हैं और दोनों तरफ से अच्छी तरह सेक लें। बस ये हो गया है रेडी। अब हम इसका रोल बनाते हैं। रोल बनाने के लिए पराठे के एक साइड में हम अपनी पकी हुई वेजिटेबल्स डाल देंगे, एक ही साइड में रखिएगा, पूरे मत बिखराइएगा। और ये देखिए इस तरह से जितनी ज़्यादा आपको चाहिए उतनी ज़्यादा वेजिटेबल्स भर लें, भरा हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है रोल। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सॉस, टमाटर सॉस, और इसमें थोड़ा सा चिली सॉस, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा मायोनीज़। ये सब ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें ना चाहें तो ना डालें, क्योंकि ये सब्ज़ियों में हमने ऑलरेडी ये सब चीज़ें डाली हैं। और अब मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा चाट मसाला, क्योंकि हम बना रहे हैं इसको स्ट्रीट स्टाइल, तो बिल्कुल मैं वैसे ही बना रही हूँ जैसा कि आपको बाहर बना के देते हैं, बिल्कुल वैसे ही टेस्टी, बिल्कुल वैसे ही मज़ेदार। तो ये देखिए बस अब इसको दबा के थोड़ा सा रोल कर दें और ये आपका यमी टेस्टी रोल तैयार है, बिल्कुल बाज़ार स्टाइल का। और अब इसमें एक कमी रह गई है कि वो रैप लगा के देते हैं, एल्युमिनियम फॉइल लगा के देते हैं, तो हम वो भी कर देते हैं जिसमें कोई भी कमी ना रह जाए कि बाज़ार जैसा नहीं बना है। तो ये देखिए, और इसमें एक एल्युमिनियम फॉइल लेके इसको आप आधे में रैप कर दें और नीचे भी उसके सील कर दें, ये नीचे इसको बंद कर दें, नीचे वाले को फोल्ड करके ऊपर की तरफ कर दें ताकि नीचे कोई वेजिटेबल्स ना गिरें और आपके कपड़े ना ख़राब हों। बस ये हमारे एग वेजिटेबल रोल तैयार है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और करें समद किचन को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।